जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मंजू तिवारी ऑफिस रियल ब्लॉग में और मंजू तिवारी ऑफिशियल में भी आप सभी का स्वागत है अच्छे गीत सुनने के लिए। तो कृपया आप लोग मेरे चैनल पर जब भी नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। यहाँ पर मैं आज कोहड़ाउरी तो सभी लोग डालते हैं लेकिन उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मेरी दादी मेरी सासू माँ ने मुझे बताया है। मेरे मायके में तो कोहड़ाउरी नहीं पड़ती है, कहते हैं सहती नहीं मतलब तो बनाई नहीं जाती है। भाभी उभी के घर से आती है तो हम लोग खाते हैं जो है। यहाँ पर मैं हूँ, मेरी सासू माँ है, मैं कुछ बतिया रही हूँ मम्मा से जो है। तो आज मैं आप लोग को जरूरी बात बताऊंगी, प्लीज़ वीडियो को पूरा छोड़ के नहीं जाइएगा। अगर आप वीडियो को ज़रा भी स्किप करते हैं तो जो है आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर मैं ब्लॉग बना रही थी इसकी वजह से मैं जो है बोल रही हूँ, वॉइस ओवर यहाँ पर कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो शेयर कर रही हूँ। बाकी मैंने ब्लॉग शेयर कर दिया कोहड़ाउरी बनाने की रेसिपी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, परफेक्ट तरीके से मैंने शेयर किया हुआ है। तो चलिए फिर बताती हूँ आप लोग को कोहड़ाउरी डालने से पहले या डालने के बाद की क्या विधि है, आप लोग जान लीजिए, नहीं तो फिर अधूरी आधे काम करते हैं तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक दिन क्या दो तीन दिन लगे हैं सारी चीज़ों को तैयार करने में हमें, तो मसाला से लेकर के और दाल धोइया बनाने तक का, उसको पीसने तक का, अगर आप बाजार की चीज़ें लाते हैं ना तो वो चीज़ सही नहीं होती। अगर आप घर पर जो है धोइया तैयार करते हैं, घर पर ही गर्म मसाला या हरी धनिया वगैरह जो कुछ भी इसमें डालना है, ये क्या बोलते हैं वो रिक्सावा कोहड़ा हमारे यहाँ बोलते हैं, भूमरवा कोहड़ा भी बोलते हैं, इसको डालते हैं। तो जिन लोगों ने मनौती माना होता है कि गंगा मैया मुझे पुत्र देंगी और मैं कद्दू मतलब चढ़ाऊंगी उनको मतलब जो है, तो वो नहीं खाते हैं। और जो लोग यहाँ के बोलते हैं ये छठ है, कौन सी छठ है यहाँ पर, और लड़ाई छठ को नहाते हैं बनारस में लोलारकनाथ, तो भी नहीं खाते हैं जो फल चढ़ाया जाता है, तो उसमें कुछ लोग कोहड़ा ही चढ़ा देते हैं। तो देखिए कोहड़ाउरी डाल लेते समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि कहानी भी इसी में सारों को सब कुछ शॉर्टकट में शेयर कर दे रहे हैं आप लोगों के साथ। कोहड़ाउरी डालने से पहले पांच कोहड़ाउरी आपको, मैंने आपने देखा मैंने पांच कोहड़ाउरी हाथ से जैसे मुट्ठी बनती है उस तरीके से बनाया हुआ है। जब वो कोहड़ाउरी बनाते समय यहाँ पर बना के उसको टीकना है सिंदूर से, उसमें पाँच मिर्ची लगाना है, ठीक। उस टाइम आपको अपने मन में ही गुनगुना लेना है सोहर गीत। सोहर गीत मेरे चैनल मुन्नी दुबे पर आएगा, आप लोग देख लीजिएगा कोहड़ाउरी डालते समय कौन सा सोहर गाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोहड़ाउरी डालते समय आप सोहर गीत नहीं गाते हैं तो बहू गूंगी आती है, ठीक है। ये मतलब कहावत है, अब क्या सही क्या गलत है, लेकिन सोहर गाया जाता है, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़, शुभ कार्य है कोहड़ाउरी डालना और सोहर गाकर ही डाले। पहले क्या होता, चार पांच लेडी डालती थी, ज़्यादा रहता था तो अच्छे से गाती थी। अब क्या है कि मन में ही थोड़ा सा गुनगुना लो लेकिन गाना जरूरी है कोहड़ाउरी डालते समय। अब दूसरी बात जो ये आती है, कोहड़ाउरी डालने पर जो आपने पांच पिंडी टीका हुआ है, मिर्ची लगाया हुआ है, उस कोहड़ाउरी को और बाकी थोड़ी और कोहड़ाउरी सूख जाने पर आपको किसी पंडित जी को दान कर देना है, निकाल देना है उनके लिए। तब खाना, मान लीजिए पंडित जी तत्काल नहीं मिले तो उसको निकाल के आप रख देंगे, उसके बाद जब पंडित जी कभी आते हैं तो वैसे कोहड़ाउरी आप देंगे नहीं, उसके साथ सीधा भी होना चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि सीधा भी होना चाहिए, खाली कोहड़ाउरी आप पंडित जी को नहीं देंगे। ये हो गया, कोहड़ाउरी सूख गया, आप खाइए अच्छे से, सब्जी बनाइए भाजी बनाइए। अब जो तीसरी बात आती है वो ये है कि कोहड़ाउरी बनाने के बाद जिस बर्तन में आपने पेस्ट तैयार किया हुआ है, ठीक है, जिस बर्तन में आपने पेस्ट तैयार किया हुआ है उस बर्तन को धुल करके, उसमें जो भी बचता है थोड़ा धुल करके, थोड़ा अगर आपके घर में और भी धोइया की दाल थोड़ी सी हो उसको पीस करके कढ़ाई में आपको कढ़ी बना लेना है उसकी। नहीं तो कहते हैं हमारी सासू माँ बताती हैं कि पतो कुचरी आती है, यानी आँख उसकी सही नहीं रहती है, उसकी आँखों से कीचड़ पानी वगैरह बहते रहते हैं, ये कहावत है। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, क्योंकि ये लोग करते ही जा रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं किया होगा उनके साथ अगर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कोई भी दान पुण्य का काम अगर आप करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपके बेटा बहू आपके परिवार के सामने उसका फल स्वरूप सब कुछ देखने को मिलता है। तो इसके लिए
जो भी हमारे दादा बाबा, हमारी सासू माँ, हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ, जो भी हमारी परंपराएं हैं उसको हमें जीवित रखना है। हमारी परंपराओं को हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उस हिसाब से आप जो है कोड़ोली डालिए, पहला नियम, टीकिए सिंदूर और मिर्ची उसमें खड़ा करके लगा दीजिए, और दूसरा नियम है उसको ये क्या बोलते हैं कढ़ाई में उसका कढ़ी बना दीजिए धोवन का, और तीसरा है सोहर गीत जरूर गाइए। बगैर सोहर गीत गाए, सोहर गीत गा लीजिए, देवी गीत गा लीजिए, लेकिन सोहर गाया जाता है कोहड़ौली डालते समय, ठीक है। तो यहाँ पर देवरानी जेठानी की कहानी है कि इस परंपरा को आजमाने के लिए जो है तो ई परंपरा जे निभावत है अपने दादा बाबा कभी पुरखा पुरनिया के, तो गए घर में सुख शांति खुशियाँ हमेशा बनी रहती हैं। यहाँ पर दो देवरानी जेठानी थी, एक जेठानी को चार बेटे थे, देवरानी को दो बेटा था, ठीक है, मतलब एक बेटा था। तो देवरानी जो थी वो अपने सारे कार्य अपनी सासू माँ के, अपनी मायके, अपनी मम्मा से पूछ करके सारे कार्य करती थी, क्योंकि देखो बच्चे जन्म लेते तो उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं रहती, जो जिस संस्कृति में पले रहते हैं, जो कार्यक्रम उनके घर हुआ रहता है वही देख करके बच्चे सीखते हैं। और जेठानी थी तो उनको घमंड रहता था, वो अपने मन का ही सारा सब कुछ करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए देवरानी के और जेठानी के, तो ऐसे तैसे चल रहा था, शादी ब्याह का समय आया तो कोहड़ौली जब भी डालती देवरानी तो वो अपना सारा नियम करती जो सासू माँ ने उन्हें बताया था। पहला जो टीक थी उसको सूखने पर पंडित जी को दान करने के लिए रख देती, सीधा के साथ दान कर देती थी, और दूसरा वो करती कि कढ़ाई में कढ़ी जरूर बना लेती थी, और तीसरा वो करती कि सोहर गिर जाए तो वो बोलती थी उसकी जेठानी, अरे ये बहुत ज़्यादा अपने सास ननद के परंपरा निभाती, होती सास ननद को कर्म लाए तो और ज़्यादा परंपरा निभाती, ठीक है। तो कहें कि ठीक है कौनों बात ना, अच्छा भैया उनके बेटा ब्याह भा जब देवरनिया उठे तो उनकर बड़की पतो हुआ है तो कुछ तो ठीक ठाक रही, उकरे बाद तीन ठहर रह गए नहीं, उनकर जब पतो हुआ है देवरानिया उके उनकर पतो सर्व गुण संपन्न उकरे अंदर कौनों अवगुण ना रहा, इनके चार जब आई एक पतो हुआ आँखी से कीचड़ बहाई, कौनों विधि न ठीक ठाक होई, कौनों दवाई दर्पण कितना जतन कराए ले आ रही, कहाँ कहा देने कहाँ कुछ रही, महतारी काजर ना लगा छठी बार ही आँखी पानी इनके गिरत रहा, अपने गलती दोष न दें, कहा माई काजर ना लगा तब जो बाटा इनके कीचड़ गिरत रहा था आँखी से, एक पर तो हुआ तू बोलब नहीं करे न सुने गूंज नहीं करी, तो वह कहीं कहीं दवाई दर्पण कराए होते तैयार बीजिए पतो उनके ठीक न रहती बिया कहीं कमरे बेटा मूढ़ी काट ले ना लड़ाई झगड़ा करें भैया। तो देखा कहानी का होता ना कि अवधि में ही बोले मजा ज़्यादा आवत है, इन आते हम आप लोग को सुना देते ही जो भी सुने हैं। तो अब तो ई काम हो गया न गायन तो पतो घूम आए न पंडित जी के दान दही तो उनके घर में दरिद्र हमेशा छाए रहे, कोहड़ौरी जो उनका अगर दान ना दही जब भी कोहड़ौरी डाले चार छः महीने के बाद पूरी कोहड़ौरी छली जाए तो किरौना पड़ जाए, ठीक है। अब वो डाले देखा कोहड़ौली डाली जाता तो साल साल में छच्छा महीना दो दो साल तीन तीन साल अच्छे से डाल के सुखवाएगा तो चलत है, लेकिन उनके कोहड़ौली में कीड़ा पड़ जाए तो उनका जमन बहू रच के ठीक ठाक रही वो का काम की, कहीं हे अमाया तो हर गलती बा माना चाहे जिन माना माता जी यहाँ जौन चाची करत थी वैसे सारा परंपरा निभावा नहीं देते तो हर घर परिवार सारा बर्बाद हो जाए, अब कुछ पुरखा पुरनिया की बात माने चाहिए। तो फिर उन्हों भैया वह काम करे लगी जो उनकर देवरान करत रही है ना, तो उन्हों घर में सुख शांति आएगी। तो मिलत रही आप लोग से अच्छी जानकारी साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक।